फ्रेंड्स वेलकम टू बीएल इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो कि आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग खराब हो गई थी या खराब थी किस सेंस में करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, या मेरे पास कार है, या मेरे पास घड़ी है जो कि रखी हुई है, वो क्या है कि खराब हो गई है, या हम यानी कि कोई हमें पूछ रहा है कि आपकी घड़ी कैसी थी, आपकी मोबाइल कैसी थी, तो हम कह सकते हैं मेरी घड़ी खराब थी, मेरी मोबाइल खराब थी, मेरी कार खराब थी, मेरी बस खराब हो गई थी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, खराब हो जाना के सेंस में हम आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट्स, मेरी कार खराब है, तो माई कार इज खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर, माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। क्या यह घड़ी खराब है, इज दिस वॉच आउट ऑफ ऑर्डर। मेरी मोबाइल खराब हो गई, माई मोबाइल थी तो बाज आउट ऑफ ऑर्डर। हमारी टीवी खराब नहीं हुई थी, किसी ने पूछा कि आपकी टीवी खराब हो गई थी, तो हम कहेंगे हमारी टीवी आवर टेलीविजन बाज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। क्या वह बस खराब हो गई थी, है के लिए हम लगाएंगे इज दैट बस आउट ऑफ ऑर्डर। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और अपनी रोज की अंग्रेजी की बोलचाल में इनका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें।